फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारती। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का पब्लिक फर्स्ट में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। आज 2 अक्टूबर है यानी कि गांधी जयंती। गांधी जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत तमाम नेता, जीतू पटवारी समेत तमाम नेता ने आज बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसी बीच पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का एक बयान सामने आया है जिनका कहना है कि गोडसेवादियों का अगर हम बहिष्कार नहीं करेंगे तो भारत को विश्व गुरु बनने में अड़चन आएगी। सबसे पहले आप उस बयान को सुनिए। सबका सौभाग्य यशस्वी प्रधानमंत्री के मन में और हम सबके मन में महात्मा गांधी के प्रति जो उनका अपना योगदान असीम और खास करके दुनिया भारत को महात्मा गांधी जी के कारण से एक अलग रूप में पहचानती है। एक ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व के धनी जिनके जीवन में सदैव भारत के प्रति प्रेम भी और भारत की संस्कृति को दुनिया में परिचित कराने के लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार से अपनी अहिंसा मार्ग के माध्यम से एक ऐसी शक्ति को पराजित करा जिसके बारे में कहा जाता था कि जिसके सूर्य अस्त नहीं होगा, जिनकी जिनका एरिया इतना बड़ा था। लेकिन ऐसे समय में हम सब उनके बताए एक एक काम एक साथ कोई कितने मोर्चे पे काम कर सकता है, महात्मा गांधी से सीखने वाली बात। महात्मा गांधी को जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे, एक एक जन नहीं करेगा, एक एक व्यक्ति नहीं करेगा, जो गोडसेवादी लोग हैं उनको आप बहिष्कार नहीं करेगा, उनको देश से दरकिनार नहीं करेंगे, तब तक देश विश्व गुरु बनने में एक अड़चन सी आएगी। जिस दिन देश के हर नागरिक ने महात्मा गांधी को आत्मसात किया, दुनिया में भारतवर्ष का जो डंका बज रहा वो विश्व गुरु में नंबर वन बनेगा, हम दुनिया में सबसे नंबर वन देश हो जाएगा। तो आपने ये बयान सुना, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज गांधी जयंती के मौके पर क्या कुछ कहा और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने क्या कुछ बयान दिया है, आज पब्लिक फर्स्ट इसी विषय पर चर्चा करेगा। और चर्चा करने से पहले पब्लिक फर्स्ट के कुछ तमाम सवाल हैं जिनको मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगी कि विश्व गुरु बनना भारत का गर्व या फिर सियासत क्यों? ये तमाम सवाल पब्लिक फर्स्ट इन्हीं सवालों को आज पब्लिक फर्स्ट उठाने जा रहा है कि विश्व गुरु क्या सिर्फ एक महापुरुष के सिद्धांत पर ही बनेगा? क्या महापुरुष का एक सिद्धांत उस पर विश्व गुरु बनेगा? गांधी देश के हैं या किसी एक राजनीतिक पार्टी के हैं? ये तमाम सवाल आज पब्लिक फर्स्ट उठाने जा रहा है। विश्व गुरु बनना भारत का गर्व है या फिर सियासत क्यों है? क्योंकि बात हो रही है विश्व गुरु की, ये फिर सियासत है? इस तमाम सवालों पर आज पब्लिक फर्स्ट जवाब लेगा और इन जवाबों को देने के लिए तमाम मेहमान आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे जिनका परिचय भी मैं आपसे करा देती हूं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए वीरेंद्र द्विवेदी जी जुड़ेंगे, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे शिवम शुक्ला जी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी। आप तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारी चर्चा में। तुम्हारे साथ वीरेंद्र द्विवेदी जी जुड़े हुए, सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता का मैं रुख करूंगी। वीरेंद्र जी क्या कहेंगे? देखिए, विश्व गुरु बनाने की बात हो रही है, विश्व गुरु बनाने के लिए कांग्रेस का रोडमैप क्या है? वीरेंद्र जी, कांग्रेस का रोडमैप क्या है भारत को विश्व गुरु बनाने का? उसी दिन बन गया था जिस दिन इस देश का संविधान लागू हुआ, दुनिया का सबसे अच्छा संविधान जिसने दुनिया को एक रास्ता दिया। ये विश्व गुरु बनाने की जो कल्पना है ये इन लोगों की है जो लोगों को एक नया नैरेटिव देश को देना चाहते हैं। बाकी भारत तो विश्व गुरु सदियों से है, आज विश्व गुरु बनाने की क्षमता थोड़ी किसी में है, भारत ऑलरेडी विश्व गुरु जैसा है। शिवम जी, कितनी सहमति रखते हैं वीरेंद्र जी के बयान से? उनका कहना है कि जब संविधान लागू हुआ तभी जो है भारत विश्व गुरु बन गया था। विश्व गुरु बनाने का जहां तक जो बात है उसके लिए बेहद आवश्यक है कि पहले स्वीकार करना
आजादी के बाद से भारत को अपना वह मुकाम हासिल करने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ा था, जिसका भारत वास्तविक अधिकारी है। भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई तो हमने अपने संविधान में इस चीज को स्थान दिया कि हम भारत माता की जय के लक्ष्य को लेकर के आगे चलेंगे। भारत अर्थात यह भूमि, यह जमीन का टुकड़ा जिस पर हम रहते हैं, माता मतलब वो हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना, और भारत माता की जय मतलब यहाँ के लोगों की आकांक्षा जो भारत को विश्व के सर्वोच्च पद पर ले जाकर के स्थापित करेगा। और इसी काम में प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार लगे हुए थे। गांधी जी की जहां तक विरासत और उनकी जो एक पूरी अभी यह प्रवक्ता उनके डिनाई कर रहे हैं विश्वगुरु बनाने की बात की, तो फिर इनके नेता क्यों बयान दे रहे हैं जीतू पटवारी के हम विश्वगुरु बनाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि गांधी जी की विरासत को अगर वास्तविकता में किसी ने सम्मान दिया है, उसको अपने संगठन के भीतर स्थान दिया है और उसको पालन किया है, तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के संविधान की धारा 4 में जो सबसे महत्वपूर्ण हमने पंच निष्ठाएं अपनी वर्णित की है। अरे भाई, देश के लोगों को आपके संविधान से क्या लेने देना। हमारी निष्ठा है कि सामाजिक आर्थिक विषयों पर गांधीवादी दृष्टिकोण, जिसके माध्यम से समता मूलक और शोषण मुक्त समाज की स्थापना की जा सके, और यह गांधी जी की विचारधारा को हमने आत्मसात किया। यह लोग गांधी जी की बात क्या करेंगे जिन्होंने गांधी जी की राम राज्य की गांधी जी पूजा करते थे, सजीव राम राज्य का स्वप्न देखते थे, उसको खारिज करने का काम कर दिया। ये लोग गांधी जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन गीता के जो पदचिन्ह है उस पर चलने का प्रयास किया, अपने जीवन में उस प्रकार की धार्मिक सुचता को बरता और हिंदू धर्म को राजनीतिक चेतना का अपनी आधार बनाया, हमारे हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ है उनका सम्मान किया, यह लोग सनातन विरोधी लोग कभी गांधी जी के विचारधारा से जुड़े हुए नहीं हो सकते। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, गांधी जी के ऊपर कोई पहला असॉल्ट नाथूराम गोडसे ने नहीं किया था, उससे पहले भी 2 बार हमले गांधी जी के ऊपर हुए थे, लेकिन तब कांग्रेस ने न उनको सुरक्षा मुहैया कराई, न कोई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होने के बावजूद उस पर गंभीरता से कोई प्रयास किया। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, गांधी जी ने सदैव यह बात कही थी, अगर कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल सामने कर दीजिए। इन्होंने क्या किया, गांधी जी की हत्या हुई, उसके बाद महाराष्ट्र के निर्दोष चित्पावन ब्राह्मणों का नरसंहार किया। क्या क्या बात कर रहे हैं, ये भाषण के लिए थोड़ी आए हैं हम सुनने। फिर जब इंदिरा, ये भाषण सुनने नहीं आया हूँ मैं, इनको रोकिए आप। बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, फिर से नरसंहार पूरे देश ने देखा। यह लोग नरसंहार करने वाले लोग, दंगे फसाद कराने वाले लोग, अल्पसंख्यक तुष्टिकरण करने वाले लोग इस देश को कभी विश्व गुरु के पद पर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो आकांक्षा है, स्मिता है, वो मरी हुई है। और यही कारण है कि कभी चीन के सामने जिन्होंने हमारी जमीन के बड़े भूभाग का समर्पण किया, कभी इस देश के संप्रभु हिस्से को लेकर के यूनाइटेड नेशन गए, जिसकी वजह से आज तक हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। यह तमाम चीजें कांग्रेस के पाप है, और कांग्रेस कभी विश्व गुरु के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकती है। आज यह काम अगर किसी के नेतृत्व में हो सकता है और किसी ने अगर इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। आज भारत के करिश्माई नेतृत्व का लोहा दुनिया के बड़े बड़े देश मानते हैं, आज यूरोप और चीन जैसे और अमेरिका जैसे देशों के प्रभुत्व को समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री जी ने भारत का एकाधिकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्थापित किया है। आज दुनिया के कई देश हमें अपने नेता के रूप में देखते हैं, यह उस चीज की प्रिकर्सर है जो आने वाले वक्त में हम स्थापित करने जा रहे हैं। एक्चुअली हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश जी भी जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, क्या राय है आपकी, जो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान आया है कि गोडसेवादियों का अगर हम बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक भारत जो है विश्व गुरु की ओर नहीं बढ़ेगा। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी मौजूद है, उनका कहना है कि भारत तो पहले ही विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ गया, आपकी क्या कुछ राय? देखिए, मैं तो अपनी बात कहता हूँ, मुझे राजनेताओं की बातों पर बहुत टिप्पणी करने की आदत नहीं है, क्योंकि ये अपने अपने विचारधारा अपने अपने हिसाब से बोलते हैं, इसलिए इन पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सबको मालूम है कि गांधी जी एक बहुत बड़े व्यक्ति और बहुत बड़े विचार हैं। व्यक्ति के रूप में जब गांधी जी को देखा जाता है तब गांधी जी जीवन पद्धति है, जीवन सिखाते हैं किस प्रकार से जीना चाहिए, ये गांधी जी सिखाते हैं। और जब विचार के रूप में, विचारधारा के रूप में लेकर के आते हैं तो शासन तंत्र कैसा होना चाहिए, प्रशासन तंत्र कैसा होना चाहिए, सुधार व्यवस्थाएं क्या होना चाहिए, ये सब चीजें उनके माध्यम से आती हैं। केवल इतना सा अंतर है कि जिन लोगों को गांधी जी को आगे बढ़ाना चाहिए था विचारों का, वे सत्ता में इतने लिप्त हो गए कि उन्होंने गांधी जी को साइड में कर दिया। गांधी जी केवल केवल वोट लेने के लिए एक जरिया रह गए, और वो उसके कारण ही आज ये सारी समस्या आ रही है कि गांधी जी पर, गांधी जी की विशेषताओं पर, गांधी जी की मानता पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता, और बोलने वाले लोग जो हैं वो इतने अनपढ़ जैसे लगते हैं कि वो गोडसे को गांधी जी जैसी महान शख्सियत के बराबर खड़ा करने की कोशिश करते हैं।
भाई गोडसे का नाम बार बार लेने की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल। एक आदमी जिसने अपराध किया है उसको अपराध की सजा मिली है, उस आदमी का आप एक गांधीवाद और गोडसेवाद कह करके आप तुलनात्मक रूप से खड़ा कर रहे हैं। आप गोडसे ने वध क्यों किया, हत्या क्यों की, इसको जो है लोगों को जानने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये राजनीति के लिए कोई बहुत अच्छे संदेश है या संकेत है। सब बहुत समझदार नेता हैं, मुझसे तो ज्यादा ही समझदार है सारे, फिर भी मैं एक निवेदन स्वरूप ये बात कहना चाहता हूँ कि ये बड़े लोग जो हैं इन्हें बड़े मिशन की तरफ जाना चाहिए। कहाँ आप 1947 की 48 की बात को लेकर के खड़े हैं आज भी, और आपको जो है आगे आप डेवलपमेंट की बात करिए, डेवलपमेंट में 47-48 की बात करिए, एक दूसरे की आलोचना करिए। जब ये कहते हैं कि आरएसएस ने आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया तो लगता है कि कोई अच्छी बात हो रही है, नहीं लिया, लिया इस पर बहस होना चाहिए, बताना चाहिए। लेकिन गांधी और गोडसे की बात करने का अभिप्राय ये है कि आपका इंटरेस्ट गांधी में नहीं है, आपका इंटरेस्ट जो है आपका इंटरेस्ट गोडसे में। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, देखिए जब आप गांधी को उनके व्यक्तित्व और उनकी महानता के, उनके सिद्धांतों के रूप में देखेंगे, तब गांधी जी निश्चित रूप से महापुरुष हैं। महापुरुष के रूप में यदि उन्हें देखेंगे तो उनकी आप में कोई कमी दिखाई नहीं देगी। लेकिन आप जब नेहरू जी जैसे महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल साहब, अम्बेडकर साहब, इनको आप राजनेता के रूप में देखेंगे तब आप उनकी आलोचना करेंगे, उनके बारे में कमियां निकालेंगे। मैं एक इसी मुद्दे के इसी तारतम्य में एक बात कहना चाहता हूँ कि गांधी जी, नेहरू जी, ये सब लोग महान व्यक्ति थे, इसमें कोई शक नहीं, हम तो उनके पांव की धूल के बराबर भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जैसे मैं सोचता हूँ, मैं हमारे दोनों मित्रों के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि वो इस पर विचार करें कि गांधी जी जब आए थे भारत और उन्होंने राजनीतिक आंदोलन प्रारंभ किया आजादी वाला, तब उनको एक अंग्रेज अधिकारी की राजनीतिक पार्टी जो बनाई हुई थी उसमें शामिल होने की क्या जरूरत थी, अपनी अलग से भी बना सकते थे वो, और या क्रांतिकारी जो लगे हुए थे उनके साथ चल सकते थे। तो ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है कि आखिर उस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा बनाई गई कांग्रेस पार्टी में नेहरू जी को, गांधी जी को, अंबेडकर जी को, जिन्ना साहब को शामिल होने की क्या आवश्यकता थी, जिसमें सरदार सुभाष चंद्र बोस और अन्य क्रांतिकारियों ने शामिल होने से इनकार कर दिया था। ये एक बड़ा प्रश्न है, ये एक राजनीतिक बात है, इसलिए इसकी आलोचना। सुरेश जी आपने दूसरा एक सबसे बड़ी चीज है, थोड़ा सा जवाब ले लूंगी, बात कही है कि विकास पर बात होनी चाहिए, लेकिन विकास पर बात नहीं हो रही है, बात हो रही है 1947 की, बात हो रही है गोडसेवादी और गांधीवादी की। वीरेंद्र जी क्या कहेंगे, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई पार्टी उसमें अगर जाने की क्या आवश्यकता, जिस तरीके का मुद्दा जो है सुरेश जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। अब इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता हूँ क्योंकि उन दिनों मेरा रेलेवेंस नहीं था, मेरा उन दिनों इतिहास की बात है, कांग्रेस पार्टी इसका उत्तर तो मुश्किल है देना। और ये प्रश्न भी अपसांगिक है, आज की डिबेट से बाहर है, आप लोग विषय से बाहर मत जाइए। आज का मूल विषय है कि जीतू पटवारी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, पहली बात तो ये डिबेट का विषय ही नहीं है, नेता बयान देते रहते हैं, लोग सुनते रहते हैं, उस पर अपनी राय बनाते रहते हैं, लेकिन मीडिया को, मीडिया को विषयों की इतनी कमी पड़ गई है कि नेता के स्टेटमेंट पे डिबेट करवा रहे हो आप लोग, कुछ भी बोल रहे हैं। जीतू पटवारी जी पार्टी के नाम प्रदेश अध्यक्ष है, सम्माननीय है, नेताओं की तरफ से तरीके के स्टेटमेंट आते हैं, 1947 की बात हो रही है, अगर स्टेटमेंट ऐसे दिए जाते हैं तो डिबेट करना पड़ती है वीरेंद्र जी, जनता को बताना पड़ता है कि नेताओं की तरफ से इस तरीके के बयान आ रही है, 1947 की बात की जा रही है, विकास की बात नहीं की जा रही है। नहीं तो विकास की बात शिवम जी का कर लूंगी, हमारे साथ शिवम जी बीजेपी से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। शिवम जी क्या कहेंगे आप, वीरेंद्र जी का जो कहना है कि नेताओं के बयानों पर डिबेट हो रही है, हाँ, नेता इस तरीके का बयान, देश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, प्रदेश की कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, शिक्षा कर्मी आंदोलन कर रहे हैं, उस पर डिबेट करवाइए। अन्य कोई भी किंतु परंतु की गुंजाइश न हमें देखनी चाहिए, न हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र बैठे हैं, और यह जब आज डिबेट में बैठे हैं तो इनका तो परम कर्तव्य होना चाहिए कि इनके जो नेता हैं जीतू पटवारी, अगर उनका कोई इस प्रकार से मीडिया में भ्रामक बयान आया है तो कम से कम उनका डिफेंस करें कि उनकी ऐसी बात क्यों उनकी ओर से आई, क्यों इस प्रकार से आप की बात नहीं है,
गलत बयानबाजी कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अगर जीतू पटवारी इस विषय पर इतनी गंभीरता पूर्वक बोल रहे हैं तो उनके प्रवक्ता को कम से कम इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में किस आधार पर इस प्रकार की अनावश्यक बयानबाजी जीतू पटवारी के द्वारा की गई। आज भारतीय जनता पार्टी का मजबूत अनावश्यक बयानबाजी नहीं की गई है, को अगर किसी ने सम्मान देने का काम किया है तो आज महात्मा गांधी जी की जयंती है और मार्ग पर चलते हुए हमारा संगठन लगातार विचारों के प्रतिनिधि है। महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के लिए माने जाने जाते हैं, तो लोगों उनका कहने का आशय यह है कि पूरी तरीके से कांग्रेस मुक्त भारत बनाना गांधी जी ने तो गोडसे के विचारों को मान्यता नहीं मिलना चाहिए, गांधी के विचारों पे देश को चलना चाहिए। उन्होंने ये अपील की है, कत्ल करने का इसको समझने में चूक हो रही है और इसमें इतना बड़ा हंगामा की जरूरत नहीं है। चलना है पूरा देश गांधीवादी विचारों पर ही चल रहा है, आप कैसी बात कर रही हैं? अगर आपके नेता की तरफ से वीरेंद्र जी बयान दिया गया है तो आप पार्टी के प्रवक्ता हैं तो आपके पास जवाब होना चाहिए। मेरा हाँ तो मैंने जवाब दिया ना, वोट से कभी भी स्वीकारने योग्य नहीं हो सकते हैं, गांधी की विचारधारा पे ही चल के हम आगे बढ़ सकते हैं। सुरेश जी सवाल आपका था, जिस तरीके की बात आपने उठाई थी उसको कहीं ना कहीं जवाब देने से कतरा रही है वीरेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? बीरेन जी से भिन्नता नहीं रखता कि उनका उनकी जानकारी में ये विषय नहीं है, उस समय नहीं थे वो, मैं भी नहीं था उस समय। मैं तो पढ़ करके बोल रहा हूँ कि जो इतिहास है, जो चीजें हम सब लोगों के सामने लाई गई हैं, मैंने उनके संदर्भ में, मैं भी नहीं था उस समय और मुझे मालूम नहीं कि पुनर्जन्म मेरा इससे पहले वाले जन्म में मैं क्या था, मुझे नहीं मालूम, उसके ज्ञान नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जब हम सत्य और अहिंसा की बात करते हैं तो सत्य जो है वो एक प्रखर है, सत्य जो है वो एक जिसको कहते हैं सनातन है, वो हमेशा सत्य ही रहेगा, वो कभी बदल नहीं सकता। वहीं अहिंसा जो है वो प्रारंभिक शब्द नहीं है, वो हिंसा का प्रतिक्रियात्मकवादी शब्द है। अब हिंसा और होगी तभी हम अहिंसा की बात करेंगे, जब हिंसा हो ही नहीं रही तो अहिंसा की बात कहां से करेंगे। तो इसलिए ये मान सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि गांधी मणिपुर में सरेआम हिंसा हो रही है, क्या हो रहा है वहाँ, कैसी बात कर रहे हो आप? कभी कभी आप नहीं, मेरा कहना है आप समझिए पंडित जी, आप थोड़ा सा पहले दिमाग को लाइए। मैंने ये कहा है कि जब हिंसा होगी तभी अहिंसा की बात की जाएगी, अहिंसा पहले नहीं होती, हिंसा के बाद में अहिंसा शब्द आता है। आप समझिए, आप विद्वान है, यदि यदि हिंसा नहीं हो, नहीं अब आप ऐसा ऐसा मत कहिए प्लीज, मेरा भ्रम मत तोड़िए। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि मणिपुर में हिंसा हो रही है तभी वहां आप नेतागण लोग जो है वो अहिंसा का प्रयोग करके शांति लाने की बात करेंगे। यदि हिंसा नहीं होगी तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि फिर आपको अहिंसा की आवश्यकता ही नहीं है। आप ये देखिए कि गांधी जी की जो अहिंसा थी वो दो प्रसंगों पर क्या थी, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए जिनको काट करके ट्रेनों में भर दिया गया था, उस हिंसा के प्रति गांधी जी का सोच क्या था, और जो लोग यहां से पाकिस्तान गए उनके लिए गांधी जी ने 55 करोड़ रुपए की डिमांड करी, अनशन किया, नेहरू जी ने उसे अस्वीकार किया। दूसरा आप देखिए जलियांवाला बाग कांड में जो हिंसा हुई थी उस पर गांधी जी की अहिंसा क्या कहती है, इस पर आप विचार करिए, पढ़िए आप उसको फिर समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि गांधी जी की जो हिंसा अहिंसा की जो परिभाषा थी वो केवल और केवल आजादी के आंदोलन में लगे हुए क्रांतिकारियों से प्रारंभ होती है, और उसको आप पढ़िए 5 मार्च 1931 का गांधी इरविन समझौता पढ़िए, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आंदोलनकारी हिंसात्मक आंदोलनकारी उनको छोड़ करके राजनीतिक बंदियों को जो है रिहा कर दिया जाए। इसलिए ये परिभाषाएं अलग अलग हैं, इन परिभाषाओं को हमें समझना पड़ेगा। आप गांधी को एक 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 रूप में खड़े करके नहीं देख सकते, गांधी जी के जो विराट रूप है, समग्र रूप है, उसके रूप में देख करके जो है हमको गांधी को समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि गांधी जी की तुलना
आज के इन बच्चे राजनेताओं से नहीं हो सकती। जीतू पटवारी जी को गांधी का पूरा नाम नहीं मालूम होगा, इसलिए वो क्या गांधी और गोडसे की बात आप गलत कह रहे हैं। पूरा नाम नहीं मालूम होगा, पूरा नाम भी पता है, उनके बारे में उनको अध्ययन भी है, पूरी जानकारी मारते हैं जिनका राजनीति से गांधी जी का नाम कक्षा 8 में 5 में पढ़ने वाले भी बच्चे का नाम पता है। राजनीतिक विवाद के अलावा इनका कोई गांधी से लेना देना नहीं, नाम पता है। आप ऐसे नहीं कि नाम पता है। वीरेंद्र जी आपसे एक छोटा सा सवाल लूंगी मैं। देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बात की गई है कि भारत को विश्व गुरु बनाने में कहीं ना कहीं अड़चन आएगी। भारत को विश्व गुरु बनाने में भारत का गर्व महसूस करता है या फिर सियासत छेड़ी जा रही है? क्योंकि नहीं, मुझे नहीं लगता कि जीतू पटवारी जी ने जो बयान दिया है उसको आप पहले ठीक से समझने का प्रयत्न करो। महात्मा गांधी की जो विचारधारा है सत्य अहिंसा सद्भाव सेवा सहिष्णुता पर आधारित है। गोडसे की जो विचारधारा है वो नफरत हिंसा पर आधारित है। तो उन्होंने एक प्रतीक के रूप में कोट किया कि जब तक उस आइडियोलॉजी पर मानने वाले लोग इस देश में रहेंगे तो भारत कहीं ना कहीं उसकी रेपुटेशन पर विश्व के परिदृश्य में उसकी छवि उतनी अच्छी नहीं बन पाएगी जिसको हम विश्वगुरु की कल्पना कर रहे हैं। बाकी विश्वगुरु की कोई डिग्री थोड़ी है कि किसी विश्वविद्यालय से मिलना है भारत को या उसकी जरूरत है। कहाँ मिलती है विश्वगुरु की डिग्री? विश्वगुरु एक कल्पना होगी कि माने हम देश में विश्व में श्रेष्ठतम अवस्था में पहुंचेंगे। बाकी कोई लीगल प्रोविजन हो विश्वगुरु का, कोई कानून बना हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि विश्वगुरु कोई देश बनेगा उसमें ऐसा प्रतिस्पर्धा होगी, उसका ये स्वरूप होगा, ये कॉम्पिटिशन होगा, तो बताओ आप। चलिए आखिरी प्रतिक्रिया शिवम जी से लेना चाहूंगी। शिवम जी आखिरी प्रतिक्रिया, आपसे समय का अभाव है जी। महत्वपूर्ण चीज है, आज गांधी जी ने अपने जीवन में तमाम अच्छे काम किए, कई चीजों में असफल भी हुए, उसको अवलोकन करने का दिवस है। उनका जो पद था उन्होंने अपने जीवन में अपनी सफलताओं के दौरान अपने नैतिक मूल्यों को हमेशा सर्वोपरि रखा, वह एक कहीं ना कहीं सीखने का विषय है। आज हमारे राजनेताओं को भी यह चीज लगातार स्मरण में रहनी चाहिए। और गांधी जी ने कभी भी नफरत की राजनीति नहीं की, उन्होंने कभी हिंदू को कहीं ना कहीं डेंगू मलेरिया बताने वाले तत्वों के साथ स्वयं को खड़ा नहीं किया। उनका पूरा जो चिंतन था वो सनातन धर्म की मान्यताओं और परंपराओं पर स्थापित था। और उन्होंने समाज में ग्राम स्वराज की अवधारणा जो आर्थिक और सामाजिक विभिन्न सामाजिक वर्गों के कल्याणार्थ अपना एक चिंतन रखते थे। तो हम सभी को उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और कांग्रेस पार्टी को भी नकली गांधियों के चंगुल से बाहर निकल करके वास्तविक गांधी का अध्ययन करने की आवश्यकता है, उनके जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और वास्तव में उनको अपने राजनीति का केंद्र बनाने की आवश्यकता है। ये राहुल गांधी जी और उनका परिवार जो फर्जी गांधी आज गांधी सरनेम लगा करके बैठे हैं उनको अब देश की जनता पूरी तरीके से स्वीकार कर चुकी है। गांधी जी की विचारधारा, गांधी जी की विरासत आज भारतीय जनता पार्टी के आंगन में पूरी तरीके से सुरक्षित है। चलिए ठीक है शिवम जी, वीरेंद्र जी, सुरेश जी, समय का अभाव है, आज की चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपकी जयंती का दिन आज जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, देश के तमाम नेता, तमाम बड़े नेताओं ने आज महात्मा गांधी को, बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की और देश लगातार बापू के सिद्धांतों पर चलने की बात कर रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी यही बात कही कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना है, अहिंसा के मार्ग पर चलना है। लेकिन पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की तरफ से एक बयान आता है कि अगर गोडसेवादियों का बहिष्कार नहीं करा तो भारत को विश्व गुरु बनने में अड़चने आएंगी। अब सवाल यहां पर यही उठ जाता है, क्या भारत को विश्व गुरु बनाना भारत का गर्व है या फिर यहाँ पर सियासत छेड़ी जा रही है? तो फिलहाल के लिए करते हैं सखास का पेशकश में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारती। नमस्कार। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारती। आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, हर मुश्किल को पार कर, घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है।
आत्मनिर्भर और विकसित भारत की मजबूत नींव रखने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ये उद्गार नव भारत की संकल्पना को साकार करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस वर्ष देश के सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता पर केंद्रित स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में देश में स्वच्छता की श्रेणी में नंबर 1 पर रहने वाला मध्य प्रदेश इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से लगा करके 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक स्वच्छता सेवा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। स्वच्छता का काम सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं हो सकता है, पूरे समाज को आगे आना होगा। मैं आप सभी के माध्यम से अपील करता हूँ, हर नागरिक स्वच्छता ही सेवा अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, इस अभियान को सफल बनाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर आइए हम सब मिलकर इस अभियान में अपना योगदान दें। स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता।